हाँ तो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस क्रिसमस मेले का आखिरी कॉम्पिटिशन जो कि है पंजा लड़ाने का कॉम्पिटिशन। पहले दो मुकाबले से मुझे मेरे दोस्त सेनापति मिल गए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तीसरे मुकाबले से मुझे मेरा तीसरा और आखिरी सेनापति भी जरूर मिल जाएगा। लेकिन सर ये कॉम्पिटिशन तो मोंटू एकदम आसानी से जीत जाएगा। नो मानव इतना आसान भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को पंजा एक दूसरे से नहीं लड़ाना है बल्कि एक ऐसे आदमी से लड़ाना है जो जिंदगी में कभी नहीं आ रहा। हाँ एक हट्टा कट्टा इंसान जिसका नाम है संतोष शेट्टी। इनसे पंजा लड़ाना है आप लोगों। ये मुकाबला लग जरूर रहा है ताकत का पर दरअसल यह है परीक्षण आपकी ताकत और उसके साथ आपकी जीत के दृढ़ निश्चय क्योंकि इस मुकाबले का विजेता वही बन सकता है जो दिमाग में ठान ले कि सामने दुश्मन आपसे कितना भी ताकतवर क्यों ना लेकिन आप उससे जीत सकते हैं। हाँ तो बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मानव और मेहर ने एक एक कॉम्पिटिशन जीत कर सेंटा क्लॉज बनने के लिए अपनी जगह बना ली है। अब देखते हैं कि ये कॉम्पिटिशन कौन जीतता है और कौन सेंटा क्लॉज बनता है। सर ये लास्ट एंड फाइनल कॉम्पिटिशन मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जीतेगा। ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का वादा है। तो ठीक है अगर तुमने बेमानी नहीं की मोंटू तो इसे जीत कर मेरे तीसरे सेनापति भी तुम बन सकते हो। लाओ शातिर परी चाबी का दूसरा हिस्सा दो। ऐसे सर झुकाकर क्यों खड़ी हो हमारे सामने शातिर परी?
तुम्हें विद्यार परी से चाबी का दूसरा हिस्सा नहीं मिला क्या? वो महाविनाशनी, वो अभी भी समय है महाविनाशनी, संभल जा। जिस तरह शातिर परी का सर झुका हुआ है, बहुत जल्द तुम सबका भी सर झुका हुआ होगा रानी परी के सामने। शातिर परी, क्या हम ये समझे कि तुम परियों से हार कर खाली हाथ आई हो? शातिर परी कभी खाली हाथ नहीं लौटती। महाविनाशनी के सामने तुम्हारा यही हारा हुआ चेहरा, हैरानी वाला चेहरा देखने के लिए मैंने ये सब किया था। शाबाश शातिर पर, लेकिन विस्तार परी कहा? विस्तार परी कहा है? यहां पर विस्तार परी मेरे कैद में। तुम्हारे विनाश की ओर बढ़ते हुए मेरे कदम देखा, चाबी के दो हिस्से मेरे पास आ चुके हैं। दो हिस्से और आते ही परियों, परिलोक का, बालवीर का, दुनिया के सब कोने में से सभी अच्छाई का एक साथ अंत करूंगी मैं। एक साथ, एक साथ, एक साथ। अरे मोंटू, हार मान जा, तू कभी नहीं जीत पाएगा। हाँ मोंटू, हार जा, निकल जा इस खेल से। नहीं बॉस, हार मत मानना। हाँ मोंटू, जीतना है तो जोर लगाओ, वरना मुझे मानव और मेहर में से किसी एक को सांता क्लॉज बनाना पड़ेगा। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा जीतने की, और जी जान लगा कर ये कॉम्पिटिशन जीतूंगा और सांता क्लॉज बनकर ही रहूंगा। मेरे तीसरे सेनापति,
जिसके साथ मिलकर मैं एक ही समय पर एक ही साथ उन चारों सेनापतियों का अंत करूंगा। परिलोक में सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं, हम खुद जाकर एक बार देख कर आते हैं। नहीं नहीं, इस समय तो चाबी के इस हिस्से की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हमें यहीं छिपकर रहना होगा। परी तो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ तो फूल पत्थर नदी झरना सब कुछ है, यहाँ बाल परी को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा शातिर परी, हम सिर्फ दो कदम दूर है इस पूरी पृथ्वी से सच्चाई का अंत करने से। हाँ शातिर परी, बस चाबी के दो और हिस्से मिल जाए फिर हमारी सेना जीवित हो जाएगी और बुराई का साम्राज्य हर जगह फैला देगी। हमारी चिंता सही थी, महाविनाशनी को चाबी के दो हिस्से मिल गए हैं, लेकिन अब शातिर परी को हमसे चाबी का ये तीसरा हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। ओ दंशिका, मत देखो जीत के सपने अभी, क्योंकि है भले ही फंस गई गाल परी और विस्तार परी हमारे जाल में, लेकिन आएगी नहीं बाल परी तुम्हारे बहकावे में इतनी आसानी से। आएगी, जरूर आएगी। बाल परी खुद हमारे सामने आएगी और अपने हिस्से की चाबी मुझे देगी। अच्छा, करेगी वो ऐसा क्यों? है लगती क्या वो तुम्हारी चाची? चाची नहीं लगती, लेकिन बालवीर की माँ तो लगती है ना, इसलिए मैंने दो सेनापति को भेजा है, लोहावार और वज्रवार, बालवीर को एक हारा हुआ सिपाही बनाकर यहाँ लाने के लिए। और तुम्हें लगता है शातिर परी कि बालवीर को देखकर बाल परी हमारे सामने आ जाएगी? इतनी आसानी से नहीं, इतनी चोट पहुंचाएंगे कि उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर बाल परी को यहां आना ही पड़ेगा। वाह शातिर परी, ये तो बहुत ही अच्छी योजना है। अब हम बालवीर को कैसे सावधान करें कि उनकी ओर एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है? कैसे? ये सेनापति यहां, इन्हें तो परियों को ढूंढना चाहिए क्योंकि परियों के पास चाबी है, तो फिर ये बच्चों पर हमला क्यों कर रहे हैं? We'll be right back.
अच्छा हुआ बालवीर कि तुम खुद हमारे सामने आ गए, वरना तुम्हें ढूंढने के लिए बेकार में इन बच्चों को परेशान होना पड़ता। तुम बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? बच्चे तो सिर्फ मोहरा है बालवीर, हम तो तुझे यहाँ लेने आए। लेकिन अफसोस, तुम दोनों को यहाँ से खाली हाथ वापस जाना होगा। वो तो देखते हैं। बालवीर जी, चलो लड़ाई शुरू करते हैं। मारो मार, भाग जाओ। मानो मैं, ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। तुम दोनों में हिम्मत बहुत है, लेकिन तुम इसे लड़ नहीं पाओगे। चले जाओ यहाँ से, छुप जाओ। नहीं बालवीर, ऐसा मानो मेहर, मेरी बात मानो, जाओ यहाँ से। बालवीर, हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात मानो, जाओ। नहीं बालवीर, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। वैसे भी जब तक इन चारों सेनापतियों का एक साथ में अंत ना हो, ये समाप्त नहीं होगी। तो अगर इस समय मैं इनसे यहाँ लड़ा तो बच्चों पे खतरा हो सकता है। पहले तुमने हमें मार दिया, अब हमारी बारी। मैं तुम्हारे साथ चलूं तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। ले जाओ मुझे अपने साथ, लेकिन इन बच्चों को छोड़ दो। बालवीर, मैं बालवीर को यहाँ ले आए। तुम दोनों मुझे नहीं,
बल्कि अपने अंत को यहाँ लेकर आए हो। बालवीर, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं अपने शब्दों से नहीं, अपनी तलवार से बात करता हूँ। बालपरी, बालवीर के इस दर्द को खत्म करना चाहते हो तो बाहर आ जाओ बालपरी, वरना इसकी चीखें और बढ़ती जाएंगी। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बाहर मत आइएगा। यकीन के हाथों में चाबी का तीसरा हिस्सा नहीं लगना चाहिए, वरना ये बुराई की सेना को आजाद करके चारों तरफ बुराई फैला देंगे। ना माँ, बाहर मत आइएगा। बालवीर की चीखों में अब भी इतना दर्द नहीं कि वह बालपरी के कांधों तक पहुंच सके। चाहे कुछ भी हो जाए, आप बाहर मत आइएगा, मत आइएगा माँ। अच्छा, तो देखते हैं कि कब तक बालपरी बालवीर के इस दर्द को बर्दाश्त करती है। चाबी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। सेंटा क्लॉज जी, आज क्रिसमस वाले दिन में मैं बिल्कुल अकेला हूं। ना मेहर है, ना मानव है, ना बल्लू है, कोई भी नहीं है। ना ही कोई गिफ्ट्स है, ना गेम्स है, ना पार्टी, कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल बोर हो रहा हूँ। मैंने सोचा था क्रिसमस आएगा तो आप मेरे पास आओगे, मुझसे कहोगे आओ रॉकी, मैं तुम्हें अपनी स्लेज पे पूरी दुनिया घुमाऊंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। आप नहीं आए, मैं यहीं पे अकेला रह गया, मैं घर से ही बाहर नहीं निकल पाया। सांता क्लॉज जी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुन रहे ना आप, कुछ ना कुछ करिए। सेंटा क्लॉज जी, अगर आपको मुझे पार्टी नहीं देनी तो चलेगा, गिफ्ट नहीं देना वो भी चलेगा, कहीं नहीं घुमाना सब चलेगा, लेकिन झटका तो मत दो। बिजली, अभी मोटा भाई को बताता हूँ। पिता देखो शेफ महेश का कमाल, तुम्हारी चटनी कैसे बनाई है मैंने। क्या तुम मेरी चटनी बनाओगे? अरे नहीं नहीं, स्विता तुम्हारी मतलब तुम्हारे नारियल की चटनी कैसे बनाई है। डींगे मारना बंद कीजिए, पहले चखिए तो सही। अभी चखता हूँ। ओ माय गॉड, क्या खुशबू है। मोटा भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है।
हम तो धर्म संकट में फंस गए हैं। एक तरफ बालवीर की रक्षा करनी है और दूसरी तरफ सच्चाई की भी रक्षा करनी है। हम करें तो क्या करें? पानी, पानी। मुझे कि है यहाँ पर बालवीर, क्योंकि बालवीर के इतना पीटने के बाद आती वो बाहर जरूर। लगता है हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तुम सही कह रहे हो तो बात होगा। अगर बाल पर यहाँ होती तो अब तक जरूर बाहर आ जाती। चलो कहीं और चल के ढूंढ। तो बालवीर का क्या करें शातिर? करना है, मरने तो सही। शातिर परी, तो यहां छुपी हो तुम बाल परी। अब देखो मैं तुम्हें कैसे बाहर लाती हूं। मैंने महाविनाशनी से वादा किया था कि शातिर खाली हाथ नहीं आएगी, इसलिए अगर आज चाबी का हिस्सा नहीं तो फिर बालवीर का अंत करके इसे ही ले जाऊंगी महाविनाशनी के पास। लोहावार, कर दो बालवीर का अंत। बालवीर का अंत। बालवीर का
कटता है मेरे अंदर की बिजली से, ये सब चल रहा है। अरे रॉकी, ये कोई टाइम है इतना तेज म्यूजिक सुनने का? तो मेरे बाबूजी कौन सा टाइम होता है म्यूजिक सुनने का? अच्छा, अरे म्यूजिक को छोड़, इस वक्त तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बाबूजी, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। तू परेशान है? किससे? आपसे। हैं? आपसे अगर मैं अपनी परेशानी बताऊंगा तो मेरी परेशानी कम थोड़ी ना होगी। होगी, जरूर होगी। एक काम कर, मेरे गले लग जा, तेरी परेशानी ऐसे चुटकी में दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, अगर आप मेरे गले लगे तो आप पे परेशानी आ जाएगी। नहीं बेटा, आ जा, गले लग जा, आ जा। अरे नहीं नहीं बाबूजी। आ बेटा, आ जा, आ जा। नहीं 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 बाबू। अरे आ जा, आ जा। हिल्ला का ढोल्ला का योगा। लगे रहिए, लगे रहिए। रॉकी। हाँ मुंडा भाई। इधर। हाँ मुंडा भाई। रॉकी मैं बल्ब बदल रहा हूँ, मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ूंगा, तू नीचे से सीढ़ी पकड़। नहीं नहीं मुंडा भाई, मैं सीढ़ी नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने सीढ़ी पकड़ी तो आपको करंट लगेगा। अरे पागल है क्या, बल्ब बदलने में क्या करंट लगने वाला है? चल सीढ़ी पकड़। अरे पकड़ दी, क्या मुझे कर मेरा? पकड़ लो, पकड़ लो। रॉकी, रॉकी, मुझे करंट के जाओ। अगर बालवीर का जीवन चाहिए ना तो चाबी का तीसरा हिस्सा वापस करना होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम सबको वादा करना होगा कि तुम बालवीर को यहां से सुरक्षित जाने दोगे। नहीं मां, मां नहीं। ठीक है, शातिर तुमसे वादा करती हूँ। माँ, माँ जामी मत देना, माँ। क्षमा कीजिएगा बालवीर, लेकिन हम आपको और दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकते। बेवकूफ बाल परी, इसे लगा था कि ये चाबी का हिस्सा देकर ये बालवीर के प्राण खरीद लेगी। हाँ, अरे कोई बताओ इन्हें, ये अच्छी हैं, हम नहीं। कुछ मत करना बालवीर को।
को तुम भी नहीं बचा सकते। सेनापतियों, बालवीर बचने ना पाए। परी, जब तक हम बालवीर के साथ हैं, कोई बालवीर को छू भी नहीं सकता। रानी परी, भले ही तुमने हमें जीवित किया, लेकिन आज हमारे हाथों तुम्हारा अंत होकर रहेगा। भी बालवीर बच गया। ऐसा आपने क्यों किया मां? क्यों चाबी का तीसरा हिस्सा शातिर परी को दे दिया? मां, मेरे मना करने के बावजूद भी आपने शातिर परी को चाबी क्यों दी? क्यों दी मां? शांत हो जाए बालवीर, शांत हो जाए। बालवीर, हमने और बालपरी ने जो कुछ भी किया आपको बचाने के लिए किया, क्योंकि महाविनाशनी और सेनापतियों का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो आप हैं बालवीर। लेकिन रानी परी, बालवीर अकेला उन सबका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब चाहे कुछ भी हो, आप चाबी के चौथे हिस्से को लेकर कहीं छिप जाइए। आपको किसी भी हाल में उन चारों सेनापतियों से और शातिर परी से बचकर रहना होगा। नहीं बालपरी, समस्या से भागना नहीं बल्कि समस्या का सामना करके उसे जड़ से मिटाना ही समस्या का हल होता है। बालवीर, आपकी सेना का क्या हुआ? क्या आपने अपने सेनापति चुन लिए? हाँ रानी पर, मैंने अपने सेनापति चुन लिए हैं। कौन है वो सेनापति बालवीर? मानव, महर और मौन। हाँ रानी पर, अब मैं, मानव, मेहर और मोंटू एक साथ एक ही समय पर चारों सेनापतियों का अंत करेंगे। बालवीर, थैंक गॉड बालवीर तुम आ गए। हम तो डर ही गए थे। और वो दो बुरे लोग कौन थे जो तुम्हें यहाँ से ले गए थे? हाँ, वो बुराई के रक्षक सेनापति थे, और वो दो नहीं, चार। चार? लेकिन हमें पता है बालवीर, तुमने उन चारों का अंत कर दिया होगा। हाँ। है ना? नहीं मालूम, मैं उनका अंत नहीं कर सका, और मैं अकेले उनका अंत कर भी नहीं सकता, क्योंकि उनका अंत करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर उन चारों सेनापतियों का एक ही साथ अंत करना है तो तुम्हें भी मेरे साथ उनसे लड़ना होगा। हमें? हमें उनसे लड़ना होगा? नहीं नहीं बालवीर, मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि तुम तो इतने पावरफुल हो, फिर भी तुम उनका अंत नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाए? अरे मानव, एक मिनट। बालवीर, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? वो तो कितने खतरनाक और शक्तिशाली है, और तुम खुद उनका अंत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक उन सेनापतियों को एक साथ एक ही समय पर समाप्त ना किया जाए, उनका अंत नहीं हो सकता। अब मैं एक ही साथ एक ही समय पर उनका अंत तो नहीं कर सकता, और इसलिए मुझे तुम दोनों का भी साथ चाहिए। देखो, चिंता मत करो, जितने शक्तिशाली वो है उतना ही शक्तिशाली मैं तुम्हें भी बनाऊंगा। जैसे शस्त्र उनके पास है उतने ही शक्तिशाली शस्त्र मैं तुम्हें भी दूंगा। ठीक है बालवीर, पर बालवीर, अगर हम दोनों तुम्हारे साथ आएंगे तो हम तो सिर्फ तीन ही होंगे, और उन चार बुरे सेनापतियों का अंत करने के लिए हमें एक और साथी की जरूरत है ना? तो चौथा साथी कौन है बालवीर? Thank you.
पता नहीं अभी भी करंट है या नहीं मुझमें। रॉकी भैया आपके लिए पॉपकॉर्न बना दूं ना? हाँ हाँ बना दीजिए। स्मिता बहू ये लो प्रसाद। आई मासी लाइए। अरे तुम भूल गई प्रसाद लेने के बाद उसे छूते हैं वो। भूल गई क्या छूना चाहिए? अरे जिसे मैं मंदिर से आई वो रिक्शा। अरे नहीं नहीं जिस पे मैं चलती हूँ वो बैटरी। अरे नहीं गधेड़ा बैटरी नहीं आवे। रॉकी भैया बैटरी पे भला कोई चलता है? जिसे छूने से आशीर्वाद मिलते हैं ना वो स्मिता। अच्छा अच्छा पाओ। Exactly. हाँ पाओ पहले क्यों नहीं बताया? चल छू पहले छू। सॉरी मासी। हाँ आशीर्वाद। रॉकी बेटा ये लो प्रसाद लो। लो बेटा ये लो। अगर मैंने प्रसाद लिया तो मासी को करंट लग जाएगा। अरे लो ले लेता हूँ शायद अब मुझ में करंट ना हो। इसमें सोचता क्या है ले ले। बालवीर जी देखिए मुझे नहीं लड़ना नहीं लड़ना है मुझे। बालवीर जी मुझे माफ कर दो ये काम मैं नहीं कर सकता माफ कर दो मुझे। नहीं 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 देखिए बालवीर जी मैं सेनापति से नहीं लड़ सकता वो कितने खतरनाक है और मैं नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा। सॉरी बालवीर जी। मोंटू सही कह रहा है वो हमारी टीम में होने के लायक नहीं है। जाओ जाओ तुम भी मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के गैंग में शामिल होने के लायक नहीं हो। सुना बालवीर इसे सिर्फ हमें परेशान करना आता है और लड़ाई के समय ये हमारी मदद नहीं बल्कि उल्टा हमें और मुसीबत में डालेगा। राइट तुम्हें सेनापतियों से नहीं तुम्हें मुझसे ज्यादा डरना चाहिए। बालवीर इसलिए अगर मोंटू तुम्हारी टीम में तो हम तुम्हारे साथ नहीं दे सकते। सही कहा बालवीर की और मोंटू की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। बालवीर तुम इस मोटे पे भरोसा कर सकते हो लेकिन हम कभी नहीं करेंगे। हाँ इसे या तो फिर ये मोंटू तुम्हारी सेना में होगा या तो हम। अरे जाओ जाओ तुम्हारे साथ सेना भी किसको है? ओ, हाँ। मुझे भी कोई शौक नहीं तेरी सेना में रहने के। ओके हाँ। जाओ या दूंगा एक। तू जा इधर से। हाँ। मुझे तेरी तो बस करो आपस में लड़ना। मैंने तुम तीनों को आपस में लड़ने के लिए नहीं बल्कि उन बुरे सेनापतियों के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया है। मानो मेहर मोंटू तुम तीनों के अंदर अलग अलग खूबी और वही देखकर मैंने तुम तीनों को चुना है। मेहर जब तुम निशानेबाजी कर रही थी तब मैंने तुम्हें वो आक्रामकता देखी जो एक योद्धा में होनी चाहिए और मानो मेहर अगर आक्रामक है तो तुम बिल्कुल रक्षात्मक योद्धा की तरह उन गुब्बारों से बच रहे थे और युद्ध में आक्रामक और रक्षात्मक योद्धा दोनों होना बहुत जरूरी है। बालवीर हम भी तुम्हारा साथ देना चाहते हैं लेकिन इस मोटे को ना तोड़फोड़ के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। नहीं मानो पंजा लड़ाने के समय मैंने देखा कि सब मोंटू का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तो और इसके सामने वाला खिलाड़ी इससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था लेकिन फिर भी मोंटू डटा रहा उससे अपना मनोबल नहीं टूटे और अंत में विजय भी प्राप्त। लेकिन फिर भी अगर तुम तीनों को लगता है कि तुम तीनों को एक साथ चुनकर मैंने गलती की है तो ठीक है मुझे तुम तीनों की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेला ही उन चारों सेनापतियों से लड़ सकता और लड़ूंगा। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता मानो मेहर मोंटू मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि जब मेरे सामने इतनी बड़ी मुसीबत है तो क्या तुम सब मेरी ताकत बनकर मेरे साथ खड़े रहोगे या नहीं।
तुम्हारा साथ देंगे। बालवीर जी का साथ दे देते, क्योंकि अगर हम जीत गए तो बालवीर जी मेरे दोस्त बन जाएंगे और फिर बाद में मैं उन्हें अपनी टीम में लेकर विद्यों का बैंड बजाऊंगा। आज अगर रानी परी सारा खेल नहीं बिगाड़ती तो चाबी का चौथा हिस्सा भी मेरे पास होगा। महाविनाशनी, चाबी का चौथा हिस्सा भी शतर जरूर लेकर आई। परी है नहीं अब ये तुम्हारे और इन कमजोर सेनापति की बस की बात। निकम में कही के तुम्हारे बस की बात तो है ना तोबा तोबा। इस बार बालवीर से लड़ने के लिए इसे अकेले ही भेज देते हैं। अरे आप बिना है मान जाते पूरा हर बात पे मेरा। अरे कहां मैं आसमान का फूल और कहां आप धरती की धूल। आप आसमान का फूल मैं धरती की धूल। तो ठीक है आज तुम्हें धूल में ही मिला देते हैं। सही कहा दंशिका, आज इसे धूल में ही मिला देता हूँ। छोड़ो तौबा तौबा को। शुक्रिया शुक्रिया महाविनाशनी शुक्रिया। सही कह रहा है तौबा तौबा, चाबी का आखिरी हिस्सा लाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हमारा सामना रानी परी से होने वाला है। हमें कुछ बहुत बड़ा करना होगा, इतना बड़ा कि रानी परी खुद छुपकर चाबी का आखिरी हिस्सा हमें दे दे। लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं? रानी परी की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करेंगे। जाओ जाकर पता लगाओ कि बहुत सारे अच्छे बच्चे एक साथ कहां मिलेंगे। रॉकी भैया ये लीजिए आपकी कचोरियां। उसे छूना मत करंट लगेगा। अरे हाँ। अच्छा हो बापूजी आपने मुझे रोक लिया वरना अभी मुझे भी झटके खाने पड़ते। सॉरी रॉकी भैया। अरे ये क्या बात होती है बापूजी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है फिर सब लोग मुझसे क्यों दूर जा रहे हैं? करेक्ट बापूजी, बापूजी रॉकी को छूते ही झटके लगते हैं, उसमें रॉकी की क्या गलती है? हाँ इसमें इसकी कोई गलती नहीं और इसीलिए मैंने इसका इलाज भी ढूंढ लिया, क्योंकि रॉकी तो चलता फिरता पावर हाउस है। घर का सारा पावर हम रॉकी से यूज करेंगे, इससे क्या होगा कि रॉकी की बिजली कम हो जाएगी और हमारे पैसे बच जाएंगे। क्या बात है बाबूजी, क्या बात है, मस्त आइडिया निकला। क्या मस्त हवा आ रही है। चार्जिंग भी चालू हो गया। अरे वाह फ्रिज भी चालू हो गया। क्या बात कर रहे वाह। अरे वाह वाह क्या बात है। इसे कहते हैं बचा। रानी परी, रानी परी, रानी परी।
परी। यह है मेरी अच्छाई और सच्चाई की सेना, जो एक ही साथ एक ही समय पर उन चारों सेनापतियों का अंत करने में मेरी मदद करेगी। बच्चों, हम इस बात की बहुत खुशी है कि बुराई के विरुद्ध इस युद्ध में आप बालवीर का साथ दें। लेकिन बालवीर, एक बात याद रहे, ये युद्ध बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसीलिए कोई भी चूक होने ना पाए और ये तीनों बच्चे किसी भी खतरे में ना पड़े। रानी परी, मुझे बालवीर पे पूरा भरोसा है। हाँ रानी परी, बालवीर के होते हुए बुराई हमें छू भी नहीं पाएगी। और मोंटू, आप क्या आप इस युद्ध के लिए तैयार? नहीं। ये? पहले नहीं था पर अब हूँ। हाँ, जब बालवीर जी हो अपने फ्रेंड तो होगा दुश्मनों का दी एंड। क्या बात है, शाबाश बच्चों, शाबाश। आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैंने इन तीनों को इनकी विशेष खूबियों के अनुसार ही चुना है। अब आप इन्हें इनकी खूबियों के अनुसार वस्त्र और शस्त्र भी दे दीजिए। हाँ बालवीर, लेकिन बालवीर, उससे पहले हम यहाँ एक सुरक्षा कवच लगाना चाहते हैं, ताकि आप जो अपनी सेना को यहाँ तैयार कर रहे हैं, कोई उसे देख ना पाए और ना ही इसके बारे में कुछ सुन पाए। हम यहाँ एक ऐसा सुरक्षा कवच लगाएंगे कि कोई बाहर से खुद तो क्या, उसकी आवाज भी यहाँ प्रवेश नहीं कर पाए। तो अब बताइए बाली, आपके इन तीनों सेनापतियों की विशेष खूबियां क्या है? रानी परी, महर की खूबी उसका अचूक निशाना और इसीलिए वो संभालेगी आक्रमण। मानव की विशेषता है हर वार को बेकार करना, उसका रक्षात्मक होना। उसकी जीत का निश्चय, उसके विध्वंस करने की ताकत। बालवीर की मदद करके एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी ली है। और रानी परी, हम आपसे वादा करते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे और बुराई का मुंह तोड़ जवाब देंगे रानी परी। और हाँ,
दुश्मनों को धूल चटाकर ही मानूंगा मैं। शाबाश बच्चों, शाबाश, हमें आप पर गर्व। रानी परी, आपने इन बच्चों को वस्त्र तो दे दी, अब इनकी विशेषता के अनुसार इन्हें शस्त्र भी दे दीजिए। जी बालवीर। ये शक्तिशाली तीर कमान तुम्हारे लिए मैं। हर वार को रोक सके ऐसी मजबूत ढाल तुम्हारे लिए माना। दस हाथियों से भी ज्यादा शक्तिशाली ये हाथ तुम्हारे लिए मान। बालवीर, हम चाहते हैं कि बच्चों से पहले आप इन शस्त्रों का परीक्षण कीजिए ताकि ये बच्चे इन शस्त्रों को अच्छी तरह से समझ सके। मैं तैयार हूँ रानी पर। तैयारी, आ जाओ सब लोग। बाबूजी, क्या क्या हुआ? ये क्या है? मेरी शर्ट है। गलत, ये कपड़े की शर्ट है। अब देखो मेरा एक्सपेरिमेंट बेटा। हाँ। तू उठा ले, बरोबर पकड़ा। हाँ। कौन हो गई स्त्री? हाँ, स्त्री करेंगे। अरे वाह, प्रेस हो रही मेरी मदद से। रखी बेटा, अब तुम बड़े काम की चीज हो। बेटा, अब तुम्हारे वजह से मिक्सचर चलेगा, टीवी चलेगा, फैन चलेगा, एसी भी चलेगा। अरे वाह। बाबूजी, शॉट, मेरी शॉट। बैक शॉट, बैक शॉट तोड़ दिया।
अरे बेटा समझ गया, मैं समझ गया। क्या? जब जब तू हंसेगा तेरा पावर बढ़ेगा, इसलिए तू जोर से हंसना मत, सिर्फ स्माइल स्माइल। बेटा तेरा दूसरा शर्ट लेके आ। नहीं मानो मेहर मोंटू, रानी परी ने हम सब पर जो भरोसा दिखाया है हमें उसे टूटने नहीं देना है, और इसलिए जाओ अपने अपने शस्त्र चला कर दे। बालवीर तुम देखना, मैं मेरे शस्त्र के साथ सबसे बेस्ट योद्धा बनूंगी। नहीं मैं, यहाँ तो सबसे बेस्ट मैं ही बनूंगा। ओए पिद्दियो, ये क्लासरूम नहीं है, यहाँ लड़ना है, और सबको पता है लड़ने में मोंटू लखानी इज ग्रेटेस्ट। सुनकर अच्छा लग रहा है कि तुम सब एक से बढ़कर एक योद्धा बनना चाहते, लेकिन याद रहे ये शस्त्र कोई मामूली शस्त्र नहीं, और इसीलिए संभाल। मेहर पहले तुम जाओ और अपना शस्त्र उठा। मैं तू एक काम क्यों नहीं करती, उस तीर कमान को बोल दे दूंगी तो शायद से डर के वो सीधा हाथ में आ जाएगा। मोंटू अगर तू ज्यादा बोला ना तो तुझे पीट दूंगी। जोर लगा मैं, जोर लगा। उठा उठा। बस करो मैं। मानव अपनी ढाल उठा। ठीक है बाली। मानव तुझे बहुत हंसी आ रही थी ना, मैं भी देखती हूँ तू अपना शस्त्र किसे उठाता है। ठीक है ठीक है। क्या हुआ मानव, उठाना? अरे हाँ उठा रहा हूँ। देखा उठा लिया। ओ, ओ, आ, 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 अब मानव हेल्प करो, अब हेल्प कर ले। बाप रे। मानो मानो तू तो कछुआ लग रहा है, कछुआ। मोंटू समझ चल। अब तुम्हारी बारी है मोंटू, देखते हैं तुम क्या करते हो। देखना क्या बालवीर जी, आपको तो पता है मोंटू तो ग्रेटेस्ट लखानी, एक बार जो ठान लेता है ना वो करके ही रहता है। Bye.
बालवीर जी नहीं होगा मुझसे। हंसना बंद करो, जीते नहीं हो तुम सब। अरे तुम सब इन शस्त्रों को नहीं उठा पा रहे हो तो इन शस्त्रों से उन चार सेनापतियों से लड़ोगे कैसे? बाजी हम और एक बार कोशिश करते हैं ना। हाँ नहीं, मैं एक बार और कोशिश करने से पहले तुम्हें अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना होगा। इन शस्त्रों को उठाने के लिए तुम्हें इन शस्त्रों से भी मजबूत बनना होगा। बहुत कठिन अभ्यास करना होगा तुम सबको, बहुत कठिन अभ्यास। भागो और भागो, भागो मोंटू और तेज भागो। बहुत अच्छे मानू मैं, बहुत अच्छे मोंटू। अरे मोंटू बैठो मत, भागो। थक गया बालवीर जी और नहीं भाग सकता। थक गया बालवीर जी, कुछ कीजिए। ठीक है मोंटू, मैं अभी कुछ करता हूँ। हे रानी पर, जरूरी है मोंटू की आलस को भगाना और इसलिए आ जाए यहाँ पे आग का गोला। आग का गोला? आग का गोला क्यों? अरे क्योंकि अगर तुम्हारे पीछे आग का गोला होगा तो तुम और तेजी से भागोगे। हा? और फिर बच्चों आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस कुछ ही देर में रेस शुरू होने वाली है। अब यहाँ कोई दौड़ नहीं होगी बच्चों, होगी तो सिर्फ लड़ाई, अच्छाई और बुराई। महाविनाशनी, लगता मुझे है टूट गया आपका भरोसा अपने सेनापतियों और इस नकारा शातिर परी पे। इसलिए है भेजना चाहती आप इन बच्चों को रानी परी से लड़ने के लिए ताकि पा सके चाबी का आप चौथा हिस्सा। चुप करो मूर्ख, तौबा कबा। ये बच्चे तो मेरा मोहरा है, इनका इस्तेमाल करके मैं रानी परी को अपने पास बुलाऊंगी। महाविनाशनी, क्या आपको लगता है रानी परी इससे आपके पास आएंगी? आएंगी, जरूर आएंगी। जब ये पूरी जगह जमीन से अलग होकर आसमान में उड़ेंगी, बच्चे चीखें, मदद मांगेंगे, पुकारेंगे उसे, तो उनकी पुकार सुन के तो रानी परी आएगी, जरूर आएगी। लेकिन अगर फिर भी रानी परी नहीं आई तो एक एक करके बच्चों की जमीन पर बारिश होगी, फिर जब बच्चे गिरेंगे तब तो आएंगी ना रानी परी। महाविनाशनी, करेंगे कैसे आप इतने बड़े हिस्से को जमीन से अलग? क्यों तौबा, महाविनाशनी की बुराई के सेनापतियों को भूल गए?